हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वीवो V29 फ़ोन में आप लोग ऑटो टच प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक वीवो V29 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को ऑटो टच प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, आपका जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली काम करने लग जा रहा है, आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चल रहा है, यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एप्लीकेशन बैक हो जा रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर से ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहे हैं, तो कैसे आप लोग इस ऑटो टच प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ऑटो टच प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपने टेम्पर्ड ग्लास को निकाल देना है। अगर आपने अपने फ़ोन में जो टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन गार्ड लगा रखा है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो लगा रहने से अगर आपका हाथ या उंगली जो है थोड़ा भी गीला होगा तो आपके फ़ोन में ऑटो टच प्रॉब्लम होगा। ठीक है गाइस, तो उसको आप लोग निकाल दीजिए। टेम्पर ग्लास को निकालते ही ये प्रॉब्लम कभी कभी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में जो टॉकबैक मोड ऑन है, टॉकबैक मोड ऑन होने से भी आपके फ़ोन में ऑटो टच प्रॉब्लम होता है। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, एक्सेसिबिलिटी का, देख सकते हैं। यहाँ पर यह ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। टॉकबैक का एक ऑप्शन होगा, टॉकबैक पे क्लिक करेंगे और अगर आपके फ़ोन में यह टॉकबैक मोड ऑन है तो आपके फ़ोन में ऑटो टच प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। देख सकते हो ऑटोमेटिक टच हो रहा है या कभी कभी टच भी नहीं हो रहा है। तो टॉकबैक मोड को ऑफ़ कर दीजिएगा गाइस। अगर आप लोगों को टॉकबैक मोड ऑफ करना नहीं आता है तो मैंने पहले ही वीडियो बना के रखे, आप लोग जाके देख सकते हो। देखने के बाद टॉकबैक मोड को ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करते ही आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने वीवो V29 फ़ोन में आप लोग ऑटो टच प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।